नमस्कार दोस्तों, सबसे बड़ी खबर बताने जा रहा हूं मैं आज। भोजपुरी की एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे ने आत्महत्या कर ली है। उनकी बॉडी एक होटल में पाई गई है, वाराणसी के होटल में उनकी बॉडी पाई गई है। भोजपुरी इंडस्ट्री पूरी शॉक में है। एंड ये क्यों हो गया, ये कैसे हो गया, हम लोग जानेंगे इसी वीडियो में। तो वीडियो में बने रहे मेरे साथ। तो चलते आगे, बताता हूँ मैं आपको ये कैसे घटना घट गई। भाई होटल के मैनेजर ने बताया है घटना का पूरा पूरा सच। तो जानना चाहते हो आप लोग, तो जब आकांक्षा दुबे एक वाराणसी के होटल में रुकी थी, वहाँ पर वो एक बर्थडे पार्टी के लिए गई थी। और बर्थडे पार्टी से आने के बाद रात 2 बजे वो जब वापस लौटी होटल में पहुँचने के बाद उनके साथ एक लड़का भी था। और जब वो कार से उतर रहे थे तो उनके पैर पूरे लड़खड़ा रहे थे, भाइयों लड़खड़ा रहे थे भाइयों, ऐसा मैनेजर ने बताया। होटल के मैनेजर ने ऐसा बताया कि आकांक्षा दुबे के साथ एक लड़का भी था जो कि उनके साथ आया था, कार से उतरा एंड उनको लेके गया होटल रूम में। एंड उनके साथ वो 17 मिनट तक था वहाँ पर, जैसा कि मैनेजर ने बताया 17 मिनट तक वो वहाँ पर था। उसके बाद वो लड़का चला गया एंड डोर क्लोज हो गया था। एंड सुबह जब डोर खोला गया होटल के रूम का, उसके बाद आकांक्षा की बॉडी मिली। नल खुले हुए थे, लाइट चालू थी, सब कुछ चालू था भाई। अभी तक ऐसा कुछ भी पता नहीं चला है कि वो लड़का कौन था और ये सब कैसे हो गया। एंड ये उन्होंने खुद सुसाइड किया है या फिर ये मर्डर है, ये बहुत ही बड़ा एक सस्पेंस बना हुआ है। एंड भोजपुरी इंडस्ट्री इसके ऊपर बहुत शॉक में है, जो कि अमरपाली जी ने ये पोस्ट डालकर, जो कि आप यहाँ पर साइड में देख रहे हो, ये पोस्ट डालकर अपना दुख व्यक्त किया है। उनको भी ये सहा नहीं जा रहा है। एंड रानी चटर्जी करके एक एक्ट्रेस है, उन्होंने भी अपना पोस्ट डालकर यहाँ पर शेयर किया है। उन्होंने भी अपना दुख व्यक्त किया, जैसे कि बहुत सारे लोगों ने पोस्ट शेयर करके अपना दुख व्यक्त किया। तो भाइयों, आप क्या सोचते हो इस बारे में, मुझे कमेंट करके नीचे बताओ। एंड ये मर्डर हो सकता है या उनका सुसाइड है, ये तो आपको मुंबई पुलिस नहीं वाराणसी की पुलिस बता पाएगी। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो में, आप लोग को सब सच पता चल जाएगा। एंड मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सतर्क रहो।